हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम मैक्रो का चैप्टर 4 शुरू करने वाले हैं। पीछे के चैप्टर देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट मैक्रो में जा सकते हैं, वहाँ से आपको ये सारे चैप्टर मिल जाएंगे। तो आज के चैप्टर में हम सीखेंगे कि मॉड्यूल का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, सेल की रेंज का फॉर्मूला यूज करते हुए कैसे हम रेंज दे सकते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि रेंज का फॉर्मूला के थ्रू हमने रेंज सेलेक्ट किया था, सेल के फॉर्मूला के थ्रू रेंज सेलेक्ट करेंगे, और कोड लिखने के बाद उसमें बटन कैसे असाइन करते हैं वो भी सीखेंगे। तो चलते हैं अपने वीबीए वाले टैब में जहाँ पे कोडिंग करते हैं, तो यहाँ पे विजुअल बेसिक में जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि मॉड्यूल का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। देखेंगे हम कैसे मॉड्यूल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें व्यू में जाना होगा, फिर प्रॉपर्टीज विंडो या शॉर्टकट की F4 प्रेस कर सकते हो आप, और यहाँ पे इसका नाम आप चेंज कर सकते हो। इसमें भी स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं रख सकते हो आप। तो इसमें देखेंगे सेल रेंज फॉर्मूला के थ्रू रेंज कैसे सेलेक्ट करनी है। तो ये हमने इसका नाम अपडेट कर दिया, अंडरस्कोर लगा सकते हो आप, अंडरस्कोर चलेगा इधर। फिर इसको क्लोज कर देंगे और एक नया मैक्रो कोड लिख सकते हैं। आप इस मॉड्यूल में भी मैक्रो लिख सकते हो कितने भी, या फिर नया मॉड्यूल ले सकते हो। तो मैं इसी में लिख रहा हूँ। तो हम तो लिखेंगे फॉर्मूला अपना सब, उसके बाद मैक्रो का नाम सेल रेंज फॉर्मूला लिख देते हैं, इसका नाम अपने मैक्रो का। और उसके बाद फिर लिखते हैं फॉर्मूला, कौन सी शीट पे आपको फॉर्मूला चाहिए। ये तो पहले हमने मैक्रो वाली शीट पे लिया था, अभी क्या करते हैं इन्वर्टेड कॉमाज में बीबी वाली शीट पे ले लेते हैं फॉर्मूला। ये हमारी बीबी वाली जो शीट है इस पे, और इसके बाद डॉट सेलेक्ट, और फिर रेंज पहले यूज किया था हमने फॉर्मूला, अभी यूज करते हैं सेल। लिखेंगे सेल्स, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें पूछ रहा है रो इंडेक्स, कौन सा रो सेलेक्ट करना है आपको। तो फॉर एग्जांपल ये C2 है हमारा, तो इसमें हम चाहते हैं कि ये जैसे रोज होती हैं जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, तो हम चाहते हैं 8th रो सेलेक्ट हो जाए। तो इधर आएंगे वापस, लिखेंगे 8, अब कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है। तो कॉलम आपका ये वर्टिकल होता है, ABCD। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये डी कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो डी कॉलम आपका 4th नंबर पे है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 4, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और डॉट सेलेक्ट, एंटर मारेंगे। और मान लीजिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाना चाहते हैं आप इसी सेल में जिसको इसने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला। ये हमने फॉर्मूला लगाया, अब क्या फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने चैनल का नाम लिख देना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये हमने लगा दिया, और ये हमने एक छोटा सा कोड और लिख दिया थ्रू सेल फॉर्मूला, सेलेक्टिंग रेंज थ्रू सेल फॉर्मूला। तो इसको रन करके देखते हैं। इसको पहले इधर ले आता हूँ मैं, इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला सही काम कर रहा है, अपना कोड सही रन हो रहा है। F8 प्रेस किया, यहाँ आ गया, ये सीट को सेलेक्ट कर लिया इसने, अब रेंज को सेलेक्ट कर लिया इसने। ये देखो आप डी वाली रेंज पे आ गया, ये जो हमने सेलेक्ट किया था 8th रो में आ गया है ये, और 4th कॉलम में आ गया है ये। अब यहाँ पे एग्रीगेट नॉलेज लिखना है इसको, तो फिर से F8 प्रेस करेंगे और ये यहाँ पे एग्रीगेट नॉलेज लिख देगा ये, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया, इसको हम लोग बंद कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब क्या करना है अपने को, यहाँ पे एक बटन असाइन करना है जो भी मैक्रो हमने बनाया है। तो हम लोग क्या करेंगे, C2 में जाते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, सेव्स में जाते हैं, एक बटन लेते हैं रेक्टेंगल वाला, और एक बटन ले लेते हैं ये ओवल वाला। तो यहाँ पे नाम लिख देंगे एडिट टेक्स्ट, क्योंकि दो मैक्रो बनाए हमने, एक माय फर्स्ट मैक्रो लिख देते हैं और दूसरे का लिख देते हैं सेलेक्टिंग रेंज थ्रू सेल फॉर्मूला, सेलेक्टिंग रेंज थ्रू सेल फॉर्मूला, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि पूरा आ नहीं रहा है वो नाम, उसको थोड़ा बड़ा कर लिया हमने। अब इसमें असाइन मैक्रो कर देते हैं, इस पर असाइन कर देते हैं माई फर्स्ट VBA कोड,
और इसको इस पे असाइन कर देते हैं ये वाला सेल रेंज फॉर्मूला। ओके तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पूरा सेलेक्ट हो गया ये वाला सेल जो हमने पहला वो चलाया था। और इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमने दूसरा बनाया था फॉर्मूला या कोड लिखा था वो सेलेक्ट हो गया। तो ये था आज के लिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।